नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी, आज का वीडियो है पूर्णिमा वाले दिन का है, यानी कि बुधवार का। उस दिन हमारे यहाँ पूजा हुई थी और कन्या पूजन, क्योंकि आपको पता ही है इनका सावन के व्रत थे 2 महीने से, तो पूजा और जो है कन्या पूजन तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। छोले जो है मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं और ये नई कढ़ाई लेकर आए थे, मैंने दिखाया भी था आपको वीडियो में। तो ये इसके स्टिकर से है, ये मैंने गैस पर रख दिया गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद ये आराम से उतर जाते हैं, तो बस मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं सुबह का टाइम है, ये मेरी सारी घर की साफ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा वगैरह। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं किशमिश भिगो के रख देती हूँ, प्रसाद में डालने के काम आएंगे। खीर बनाऊंगी, खीर में डालूंगी, और जो प्रसाद बनता है पंजीरी का उसमें। और गोला कद्दूकस करके रख लिया है मैंने। और ये देखिए, मैंने रिया को दे दी है। बच्चों की आज छुट्टी कर रखी है, 2-3 दिन से बच्चों की छुट्टी हो रही है। कल भी छुट्टी की थी, कल भी मैं घर की साफ सफाई में लगी थी, और आज जो है कन्या पूजन और पूजा हो गई, तो आज तो होनी थी बच्चों की छुट्टी, और कल जो है रक्षाबंधन के लिए स्कूल की तरफ से छुट्टी है, तो 3 दिन की हो जाएगी इस बार। तो यहाँ पर मैं रिया को बोल रही थी, मैंने कहा तुम बेड शीट चेंज कर दो, मैं क्योंकि किचन में लगी थी, थोड़ा थोड़ा अपना कर ही रही थी। पहले घर की साफ सफाई की, नहा ही, और बच्चे भी नहा लिए थे, रिया ने भी कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर ली थी। तो बस अभी मैंने इसको बोल दिया था कि तुम बेड शीट और ये सोफे कवर चेंज कर दो, तो बच्चे भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं ऐसे। तो रिया ने और नमन ने जो है सोफे के कवर चेंज कर दिए हैं, और हर्ष और इसके पापा गए हैं मार्केट, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान आज बार बार मार्केट का काम हो ही रहा है, कभी कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने खीर बनने के लिए रख दी है, तो ये बस धीरे धीरे पकती रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, और मैं पहले खाना बना के रख लूँगी, फिर पूजा होगी तो उसमें भी टाइम लगेगा। फिर पूजा में भले कितना भी टाइम लगता रहे, फिर इतनी टेंशन नहीं होगी अगर खाना पहले से ही बना के तैयार रखा होगा। तो यहाँ पर खीर रख दिया मैंने बनने के लिए। उसके बाद मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर ली है, धनिया काट लिया है, टमाटर, बस ये सिंपल सी बनेगी, ज़्यादा कुछ कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो मैंने काटना पीटना तो काट लिया है, टमाटर धनिया वगैरह, और आलू उबल गए हैं, छोले भी उबल गए हैं। अब मैं इनको जो है छोंक देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खूब सारा तेल डाल लिया है, तो इसमें डालूँगी मैं जीरा और जो खड़े मसाले होते हैं, अदरक, सौंठ, उसमें एक पाउच आता है 10 रुपए का आता है सारा, तो उसी में सारी चीज़ होती है, ये दालचीनी हो गई, तेज पत्ता और सौंठ का टुकड़ा ये छोटा सा, और काली मिर्च, मतलब एक ही पैकेट में सब कुछ आ जाता है, तो वही मैं सारा डाल दूंगी इसमें, मोटी इलायची, छोटी इलायची जो भी होती है, तो सारा एक पैकेट में आ जाता है, मैं डाल देती हूँ। तो कलर चेंज होने पर उसके बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह ऐड करूंगी। तो बस सूखे मसालों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जियों में। और देखिए कलर चेंज हो गया है, मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी है। अब इसको ढककर रख देंगे, क्योंकि उसकी जो भाप सी बन के उड़ती है ना, वो मतलब उससे सब्जी का जो है टेस्ट सारा चला जाता है। तो मैं छोंकने के बाद ऐसे ढक देती हूँ, तो उसी में जो धुआं सा निकलता है अंदर, और फिर उससे जो है किचन में भी धुआं धुआं सा हो जाता है। तो मैं टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर ढक दिया था, जिससे कि वो भाप सी दब जाए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा चला दिया है। अब जो है इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी, और प्रसाद में कितनी भी सिंपल सब्जी बना लो, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है अपने हिसाब से, नाप के मैंने कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही अंदाजे से जैसे मुझे लगा, तो ऐसे ही मैंने डाल दिया था, और बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बनी थी। नमक मेरे सब हिसाब से डाला था, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी हमारी, सब खाने वालों ने सब ने तारीफ की है। तो बस अगर सब्जी अच्छी बन जाए, मतलब खाना अच्छा बन जाए, तो मन खुश हो जाता है और मेहनत वसूल हो जाती है। तो क्योंकि खाना बनाते टाइम मुझे यही डर लग रहा था, कभी कुछ कम या ज़्यादा ना हो जाए, तो बस ऐसी कोई नहीं थी, सारा खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था हमारा प्रसाद जो है, माता रानी की दया से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से प्रसाद हमारा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था।
तो यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग, और हींग मेरे यहाँ पर याद नहीं रही थी, फिर मुझे बाद में याद आया, और इसके पापा बार बार बोल रहे थे कि हींग ज़रूर डालना सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल के रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं, और जो छोले रखे थे वो भी ऐड कर दूँगी। आलू हमें मैश करके डालने हैं क्योंकि उससे थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और ये थोड़ा सा धनिया मैंने छोंक में डाला है, और थोड़ा सा धनिया मैं बचा लूँगी और मैं बाद में ऐड करूँगी सब्ज़ी बनने के बाद। गरम मसाला और हरा धनिया ये मैं बाद में ऐड करती हूँ सब्ज़ी बनने के बाद, तैयार होने के बाद। तो यहाँ पर मैं बस ये जो आलू है और छोले वो भी ऐड कर दूँगी, और जो भी हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह वो भी ऐड कर दिए मैंने। तो बस अब अपने हिसाब से पानी डाल लेंगे, ना ही ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे ना ही ज़्यादा पतली। तो बस मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूँगी, और छोले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैंने ट्राईपोड नहीं लगा था क्योंकि बहुत सारे काम थे, बस जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐसे ही ले ली थी, क्योंकि ट्राईपोड सेट करने में उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। और इस दिन मेरा पूरा दिन बिजी था, घर की साफ़ सफाई में, खाना बनाने में, और आपको पता ही है बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के छोटे मोटे बच्चों के साथ। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट लगी थी, थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ऐसे ले ली थी खाना बनाते टाइम। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी में जो मैंने पानी वानी ऐड करना था वो भी कर दिया है, और कसूरी मेथी मैंने छोंक में भी डाली थी, और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने बाद में ऐड की है। तो बस अब कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, 2 सीटी आएगी तो सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो जाएगी, और खीर भी बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए रिया ने बेड शीट लगा दी है, सोफे के कवर लगा दिए हैं, तो यहाँ पर मेरा कुछ काम हो गया। और ये देखिए ये हींग थी, मेरी याद नहीं रही थी सब्ज़ी में डालनी, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में ऐड कर दूँगी, सब्ज़ी काफ़ी देर तक गर्म रहती है तो बाद में भी डल जाएगी। और यहाँ पर मैंने ये क्या बूंदी निकाल के रख ली थी क्योंकि मैं बनाऊँगी रायता, तो बूंदी मैंने निकाल के रख ली है, फिर याद नहीं रहता, जो भी मुझे काम याद आता जा रहा है मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने हरा धनिया जो बचाया था वो भी डाल दिया है, और इसमें डालूँगी अब मैं गरम मसाला। और ये सब्ज़ी अभी तो देखिए देखने में पतली सी लग रही है, मतलब पानी सा लग, तो मैं इसको अच्छे से घोट लूँगी चमचे से। घोटने के बाद जो है सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है और गाढ़ी सी हो जाती है, और सब्ज़ी मतलब टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन गई थी। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, और ये अभी लेकर आए थे तो मैंने डिब्बे में नहीं डाला है, तो अभी पैकेट में ही है, तो इसको डाल रही थी कुछ बिखर गया, और निकलने में भी कभी होता है बहुत सारा निकल जाता है एकदम से, और अभी थोड़ा थोड़ा ही निकल रहा था। तो हमारी सब्ज़ी देखिए पतली पतली सी लग रही है ना अभी, तो घोटने के बाद ये ऐसी नहीं रहेगी कि पानी अलग सा और सब्ज़ी ये छोले आलू अलग से, फिर ये गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी घोटने के बाद। और मैं ज़्यादातर सब्ज़ी ऐसे करती हूँ बनने के बाद घोट देती हूँ बाद में चमचे से। तो यहाँ पर मुझे गरम मसाला कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, अब जो है इसको अच्छे से घोट लेते। देखिए ऐसे ऐसे करते हैं ना तो सब्ज़ी देखिए कितनी चेंज हो गई है, बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। जो आलू होते हैं हमारे और छोले थोड़े से मैश होके, और जो ग्रेवी होती है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए हो गई सब्ज़ी हमारी, देखने में भी अच्छी लग रही है अब, पहले जो है थोड़ी सी अलग अलग लग रहा था पानी और वो, और टेस्टी तो सब्ज़ी मैंने बताया आपको बनी थी क्योंकि सब ने तारीफ़ की है खाने के बाद। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, और खीर बन गई है। अब जो है बनाएंगे जो आटा भून के प्रसाद बनाते हैं यानी कि पंजीरी, अब मैं वो बनाऊंगी और रायता, और फिर उसके बाद बनाऊंगी पूड़ी। पूड़ी का नंबर सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ पर सब्ज़ी को रख देते हैं ढक करके, ये गर्म रहेगी तो कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ पर ये ले लिया है मैंने आटा, इसको अच्छे से भून लूँगा मैं, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कम बिल्कुल स्लो गैस करके भूनना होता है इसको, तो नहीं तो अगर थोड़ी सी भी तेज गैस हो जाती है तो ये जल जाता है, और जले हुए का फिर ये टेस्ट अच्छा नहीं आता है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल स्लो करके, इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन ये है प्रसाद बहुत टेस्टी लगता है ये प्रसाद खाने में, बच्चे दो दो बार मांगते हैं इसको, बहुत अच्छा लगता है और सबको पसंद आता है ये। तो यहाँ पर मैंने आटा भून लिया था, इसमें डाल दिया है मैंने किशमिश और गोले का बुरादा और बूरा और घी।
तो ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने गरम में ये ऐड कर दिया है, अभी गरम ही था, गैस बंद करके तुरंत बाद ही मैंने घी और मनाखे बूरा वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और दूसरे बर्तन में मैं इसको खाली कर लूँगी, क्योंकि फिर कढ़ाई मुझे चाहिएगी, इसमें बनाऊंगी मैं पूरी। तो देखिए प्रसाद मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया था और ये हमारा रायता भी बन के जो है तैयार हो गया है। और यहाँ जैसे बच्चों को रायता देते हैं ना, तो कोई बच्चे तो को तो पसंद आता है, पी लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो कुछ मैंने फ्रूटी भी मंगाई है, तो फ्रूटी बच्चे खुश होकर पीते हैं और सच में बच्चों ने मांग मांग कर मतलब दोबारा भी ली है, तो बच्चे खुश होकर चले गए हैं। तो यहाँ पर मेरा खाना बनकर तैयार हो गया है, पूरी भी बन गई है, हो गई है पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, अब जो है पूजा का सामान है वो सारा रख लेंगे, पंडित जी आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, जय माता दी।